गरुड़ तहसील की स्थापना के 16 साल बाद भी सब रजिस्ट्रार की तैनाती नहीं हो सकी है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि जमीन संबंधी व विवाह पंजीकरण के लिए लोगों को 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। गरुड़ क्षेत्र के अधिवक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों ने गरुड़ में सब रजिस्ट्रार की तैनाती करने की मांग की है। अब देखना होगा कि लोगों को बीते कई सालों से हो रही इस परेशानी को शासन कब तक दूर कर पाता है। मांग है हमारी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति है उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे कोई भी रजिस्ट्री होगी, अन्य सारे कामों के लिए यहाँ से बागेश्वर जाना पड़ता है। और इससे क्षेत्र की समस्या ये है कि क्षेत्रीय जो जनता है उनके अनावश्यक पैसे बर्बाद होते हैं, और जबकि गरुड़ क्षेत्र हमारा ऐसा घनी आबादी वाला क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्रों से आता है कि यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस होना अत्यंत आवश्यक है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस इससे पहले जो डिमांड की थी हमने, वो डिमांड वित्त तक पहुंच गई थी भाई, लेकिन वित्त के पास बाद में वो अभी तक अटका हुआ है। तो हमारा क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारा ये मांग है कि तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस का पद सृजन किया जाए, ताकि इसका क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल सके और क्षेत्रीय जनता को सारी समस्याओं का निवारण। विषय यह है कि गरुड़ तहसील में इतने समय से तहसील खुलने के बाद से आज तक सब रजिस्ट्रार कार्यालय की नियुक्ति नहीं हो पाई है, ना ही यहाँ पर जो है सब रजिस्ट्रार स्तर के कोई कार्य हो पाते हैं, जिससे हमारे जो गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, गरीब घरों के लोग आते हैं, जैसे विवाह के रजिस्ट्रेशन करने हैं, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करनी हैं, गोदनामे करने हैं, या अन्य जो है बैंकों से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें रजिस्ट्रार कार्यालय में वो नहीं हो पाते हैं। और उन कामों के लिए उन लोगों को 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके गाड़ियां बुक करके उनको बागेश्वर जिला वहां जाना पड़ता है, हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, वहां भी स्टाफ की कमी होती है और वहां पर जो है समय से न पहुंचने के कारण उनके काम नहीं हो पाते हैं। उससे भी जो है हम लोगों को बड़ा दुख होता है। हम लोग निरंतर जो है लगातार काफ़ी समय से प्रयासरत रहे हैं कि ये गरुड़ तहसील में रजिस्ट्रार कार्यालय की नियुक्ति हो और लोगों का काम यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके कम खर्चे पर। इससे पूर्व जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, उस समय भी जो है रजिस्ट्रार कार्यालय की पत्रावली पर काफ़ी पत्राचार हुआ और वो वित्त तक भी वो फाइल गई थी। किसी कारणवश जो है अब हमारी जानकारी में तो है नहीं कि वो किस कारण से वो फाइल खारिज हो गई। देखिए, ये जब तहसील का निर्माण हुआ था, ये तहसील बनी थी जब 16 साल पहले, तब से ही ये सब रजिस्ट्रार बैठने की डिमांड यहाँ से मांग होती रही है कि गरुड़ तहसील में सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाए। वो इसलिए कि गरुड़ की आबादी का घनत्व, तो आबादी अपने आप में बहुत ज़्यादा है और यहाँ की जनसंख्या बड़ी है, घटी नहीं है, और ये गरुड़ विकासखंड गरुड़ जो है ये जीरो माइग्रेशन का एक किस्म से विकासखंड है। तो पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है कि ये पहला ब्लॉक होगा जहाँ जीरो माइग्रेशन है और यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। तमाम यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ कृषि एक्टिविटी, तमाम जो अन्य एक्टिविटी है वो लगातार यहाँ होती हैं, जिनसे जिनका संबंध सब रजिस्ट्रार से होता है। यहाँ भूमि का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो हो, आपका विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना वो हो, आपका अन्य जो तमाम रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के माध्यम से होने वाले जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों में इतनी बाधा पिछले 16 साल से हुई है। लोगों का अनावश्यक पैसा बर्बाद होता है, लोग अनावश्यक तरीके से परेशान होते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है, उनको दो दो जगह काम करना पड़ता है, कुछ काम गरुड़ में होते हैं, कुछ काम जाके उनको बागेश्वर करने पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके और लगातार इसकी एक डिमांड इस विकासखंड में, इस तहसील में रही है कि आप सब रजिस्ट्रार इसमें नियुक्त करिए। और सरकारों ने, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सरकारों ने इस तहसील में, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है यहाँ सब रजिस्ट्रार बैठाने के लिए, यहाँ तमाम मांग पत्र लोगों ने दिए, लेकिन तब से लेके अब तक सब रजिस्ट्रार के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट ये होता है कि हमारे जो गरुड़, खासकर गरुड़ क्षेत्र से जो भी जनप्रतिनिधि है, इनकी भूमिकाएं बड़ी संदिग्ध भूमिकाएं हैं, ये वास्तविक कामों को या जनता के कामों को करना ही नहीं चाहते। CCN न्यूज़ के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।